जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल छुरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हुए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए KDM का हेडफोन। तो देखते हैं आज ये कैसा दिखने में कैसा दिखता है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और इसके डब्बे के अंदर क्या क्या हमें मिलता है, ये सारी बातें हम करेंगे और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, डब्बा खोल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आपने देख लिया होगा और पिच्छू से कुछ ऐसा दिखता है। चलिए दोस्तों डब्बा खोलते हैं और देखते हैं क्या कैसा है। दोस्तों हमने स्पेशल चाकू मंगाया है इसको डब्बा खोल के लिए, एकदम रजवाड़े की तरह लगती है ये चाकू। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। बाहर हमने लारी में से 30 रुपए में खरीदा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। काफी शार्प है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, पहले ये आपको हम बता देते हैं। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है KM550H, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें लिखा है कंफर्टेबल, वो तो हालांकि पहनने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कंफर्टेबल है। और दोस्तों बात की जाए इसकी म्यूजिक टाइम की, तो 10 हॉर्स दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हो। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर उल्टा सीधा लिखा है जो हमने काम का नहीं है। ये इसकी सारी डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बारी बारी एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट है ये 10 मीटर तक आपको, 10 मीटर के अंदर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, 10 मीटर के अंदर कोई भी ब्लूटूथ सपोर्ट कर सकती है। और दोस्तों इसका वायरलेस वर्जन है 5.0, जो कि हालांकि अभी पुराना वर्जन है, अभी तो 5.3 तक का वर्जन आ चुका है। और इसकी जो टल्किंग टाइम है, यानी कि इसको पहन के आप 12 घंटे तक लिखा है कि 12 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और म्यूजिक टाइम वही दोस्तों आपको 10 घंटे का मिलता है। और स्टैंड बाय टाइम में आप 20 आवर्स तक इसको चला सकते हैं, यानी कि कनेक्ट करके इसको छोड़ दें तो 200 घंटे तक ये चल सकता है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। हालाँकि दोस्तों ये हमने नेवी कलर में लिया है। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं अंदर पिटारे में क्या क्या है। हालांकि दोस्तों फिर से इसमें एक चीज लिखी है, मेड इन PRC। डिब्बा तो काफी मजबूत है। कुछ ऐसी पैकिंग के साथ आती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग है इसकी। और दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये इसकी जो कलर क्वालिटी है, इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही यूनिक कलर में गोल्ड सिल्वर है प्लस गजब दिख रही है, मतलब गजब। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक ऑक्स केबल के साथ आता है जो तकरीबन 1 मीटर का है, ये अच्छी बात है। बाकी दूसरे हेडफोन में ऑक्स केबल बहुत ही छोटे देते हैं। और ये साथ ही V8 केबल चार्जिंग सपोर्ट के साथ, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, केबल क्वालिटी अच्छी दी गई है इस बार KDM में। बात करते हैं दोस्तों इसकी और, तो इसमें दोस्तों आपको वॉल्यूम प्लस माइनस रिवर्स फॉरवर्ड का भी सपोर्ट मिल जाएगा, हालांकि दूसरे हेडफोन में भी देते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये ऑक्स केबल ये माइक के लिए आता है। और साथ ही दोस्तों ये मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा के इसको डायरेक्ट सुन सकते हैं, और साथ ही चार्जिंग पॉइंट मिल गया। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी लग रही है मुझे।
अच्छा ऐसा होता है, काफी मूड सा जाता है ऐसा, आपको छोटा करके भी रख सकते हो अपने पास। और जिनका खोपड़ा बड़ा है उनके लिए भी सेटिंग करके दिया है कंपनी ने। तो चलिए फिर इसकी साउंड क्वालिटी चेक की जाती है कि कैसा बजता है ये, कैसी इसकी बास क्वालिटी है। तो चलिए मैं इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या कैसी क्या चीज़ है। इससे पहले दोस्तों अपने चाकू को रखते हैं साइड में। और दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसका जो नेक्स्ट का बटन है उससे ये ऑन ऑफ होता है। हालांकि हमें प्रॉब्लम हुई इसलिए हमने बता दिया ताकि आप जब इसे खरीदें तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसे चालू करने में, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। तो पहले इसको पहन के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। और उससे पहले मैं इसकी जो ऊपर की फिनिशिंग आती है मैट फिनिशिंग के साथ आती है और दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, फिर से बता दे रहा हूँ। चलो अब पहन के देखते हैं कैसा लगता है। हालांकि दोस्तों ये मुझे पहनने में बिल्कुल ही कंफर्ट नहीं लगा, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, ये किसी साइड से फिट बैठ ही नहीं रहा है, जबकि मैंने इसको छोटा भी किया। तो भी हो सकता है जिसका फेस बड़ा हो, जिसका माथा बड़ा हो, उसको ये कंफर्ट हो सके, बट ये कानों के लिए तो कंफर्ट नहीं है क्योंकि मेरे कान ही इसके ऊपर आ जा रहे हैं, जो ये विंग्स है इसके ऊपर ही आ जा रहे हैं। फिर भी सुन के तो देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों पे दो कटोरियां रख दी हो। दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत ही गजब है, सच में गजब है, बहुत गजब है, बट पहनने में कंफर्ट नहीं है। लेकिन बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो बहुत ही गजब है, बास क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी बास इसकी बास इफेक्ट आती है। तो आप अगर पहन के इसको बैठे तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी और साथ ही बास और इसकी बीट्स बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कंप्लीट सुनाई देती है। ये चीज़ तो इसके लिए बहुत अच्छी है कि ये साउंड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी है। जिन्हें गीत सुनना पसंद है और लाउड गीत सुनना पसंद है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और बात करें गेमर की तो दोस्तों गेमर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, गेमर को इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये पहली बात तो ये अपने छोटे से कानों में, ये मेरे सबसे छोटे कान है तो ये कम्फर्ट नहीं हो रहा था, जिनके कान बड़े उनको तो बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं होगा, ये बात भी सही है। तो दोस्तों ये रही आज की KDM की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसकी रिव्यू। और इसकी दोस्तों मार्केट प्राइस है लगभग 850, कहीं कहीं आपको 800 भी मिल जाएगा। तो ये किसी भी रिटेल शॉप में आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तब तक दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।